ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि सिंह राशि का ये आखिरी का सप्ताह है इस महीने का, मतलब आखिरी के जो 8-9 दिन है जुलाई महीना 2017 का कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम धन और आर्थिक स्थिति की बात करेंगे। इस दौरान आपकी आवक खूब मर्यादित रहेगी पर इसके सामने खर्च भी काफ़ी होंगे। पूर्वार्ध के समय में आपको अपने प्रतिष्ठा को बनाए रखने, कानूनी अथवा सरकारी कार्यों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों, वाहनों और औजार से संबंधित कामकाज में आपके द्वारा अधिक खर्चा होने की गुंजाइश है। दूर के स्थानों से लाभ हासिल करने के लिए अंतिम 2 दिन में अवसर आपके पक्ष में होगा। अभी हम व्यावसायिक और नौकरी संबंधित बातें करेंगे। व्यावसायिक मोर्चे पर यह समय आपके लिए मिश्र फलदायी समय कहा जाएगा। अभी जो पहला 2 दिन है, सोमवार मंगलवार, हो सके तो महत्व के कार्यों से जुड़े निर्णय लेना टाल दीजिए। जो जातक पार्टनरशिप के कार्यों से जुड़े हैं उसके साथ दिनांक 25, 26, 27 की दोपहर के बीच में धोखा होने की आशंकाएं बढ़ जाएगी। नए अवसर का विचार कर रहे जातक अथवा आवक के नए स्रोत खड़ने हेतु शुरुआत करने के लिए अंतिम 2 दिन अधिक अनुकूल रहेंगे। मतलब समझ लीजिए कि 29, 30 और 31 भी आप काउंट कर सकते हैं। अभी हम सिंह राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए आपको शरीर की आरोग्यता का ख्याल रखना पड़ेगा। वजह यह है कि इस सप्ताह आपकी कुंडली में व्यय स्थान में सोमवार मंगलवार के शुरू में ही चंद्र मंगल सूर्य की युति बनेगी, तो इन तीनों ग्रहों के साथ होना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत देता है। खास करके ब्लड प्रेशर, रक्त के परिभ्रमण की बीमारी, हृदय की धड़कनों का असामान्य रहना, अनिद्रा और बेचैनी, तरह तरह की चिंताओं की वजह से शरीर में सुस्ती और तनाव महसूस होगा। सप्ताह के लास्ट डेज में, मतलब 28, 29, 30, 31 के आसपास आपकी स्थिति में पहले से सुधार होगा। अब हम आपके रिलेशनशिप और दाम्पत्य जीवन की बात करेंगे। आपके व्यय स्थान में सप्ताह के प्रारंभ में चंद्र के साथ मंगल और सूर्य की युति प्रेम संबंधों में कुछ प्रतिकूलताएं पैदा कर सकती है। मानसिक दुविधा के चलते आपको कम्युनिकेशन और मुलाकातों में संयम रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन में भी एकाएक परिवर्तन आने की संभावना रहेगी। पारस्परिक विश्वास को टिकाए रखने के लिए आपको अधिक कोशिश करनी पड़ेगी। अंतिम जो 2 दिन है या 3 दिन, 28, 29, 30 और 31 तारीख, उन दिनों में शादी के लिए उत्सुक जातकों के लिए अपने लिए योग्य पात्र से मुलाकात होने की संभावना है। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।